हम इनके बिग फैन हैं भाई, हमारा हक बनता है इनकी हेल्प करने का। पैर में पंप मारने की कोशिश है भाई। टाइगर फॉल 312 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है एकदम, एंड जो इसके नीचे खड़ा होता है ना भाई, उससे पूछो क्या बनती है उसके साथ। अरे नहीं भाई, ड्रीम मैच 4 पे आएगी। अरे मेरे को तो बोल दो इट्स मोटर वर्ल्ड पे आएगी भाई, दोनों भी देखने को मिल जाएगी। मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहां सारा तुम्हारा होगा। बहुत खतरनाक रास्ता ले लिया जी ये गलत। अरे धीरे 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 भाई, यहाँ तो जाते टाइम तो भाई रिस्क है बहुत ज़्यादा, आते टाइम तो फिर भी आ गए थे, लेकिन नीचे उतरते टाइम डबल रिस्क हो जाता है। यहाँ पूरे इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ नॉर्मल ब्रेकिंग से टायर स्कीट होता है, टायर स्कीट होते ही दी जाएगी, जैसे इस बाइक का हो रहा था 250 वाले का। अब ये देखो यार ख़त्म भाई, इस साइड नहीं रखना, उस साइड रख, अपनी कोई इस साइड मत ले गया। अरे रे 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 GoPro को देखे बंद कर दे के भाई, क्या बंद कर रखी है? अच्छा रनो को देखे ये देखो भाई क्या है एरिया यहाँ पे, बाइक बंद ही कर दी हमने। अरे टाइगर फॉल कहाँ रह गया यार, 3 किलोमीटर तो था, फील हो गया भाई ने वो लिक्विड डलवा रखा था। अब इसके अंदर हवा भरते हैं, कैसे भरते हैं ऐसे, ये ऐसे ही चेक करो भाई, हवा चेक करो होगी बतेरी है। ये करके दिखाओ होगी, काट दे बस वैसे काटेगा तो और होगी। चलो ब्रो, चलो 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 भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। यहाँ से ब्रो 2 किलोमीटर है, यहाँ से भी 2 किलोमीटर है अभी आगे। अरे भाई ये वाटरफॉल देखना तो ये नहीं, ये नहीं बड़े वाला वाटरफॉल देखना है भाई हमें, तो ये छोटा मोटी थोड़ी देखने के लिए हम आए हैं। ये रहा वेलकम टू टाइगर फॉल, वेलकम टू टाइगर फॉल, क्या हाल है? फाइनली टाइगर फॉल पे हमारा वेलकम तो हो गया है, क्या चला है? हैं कि जाना पड़ेगा आगे, चला फिर पैदल जाना। अच्छा हमें थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ रहा था, तो फिर हम बाइक को आगे लेके जाएंगे अपनी बाइक को। एंड अभी आगे देखते हैं आगे से कितना नज़दीक पड़ता है, मगर भाई हम तो अपनी बाइक को ना वहीं लेके जाएंगे, यहाँ क्यों खड़ी करेंगे हम अपनी बाइक को। जब बाइक की राइडिंग करनी है तो भाई हम अपनी बाइक की राइड करके ही जाएंगे, हम क्यों यहाँ से पैदल जाएंगे, सही था ना दोस्तों? Yes, और नहीं तो यार फिर बाइक राइडिंग का फायदा क्या है अगर पैदल गए तो यहाँ से, यही तो फायदा होता है बाइक का भाई। ये पानी वाली बिल्कुल फिसलन है भाई, बहुत ध्यान से निकलना, बहुत ही ध्यान से, वरना चोट बड़ी भयंकर लगने वाली है ठंड के अंदर, हर साल दुखी करेगी। हाँ हर साल दुखी करेगी ये भाई, फिसलन है भाई बहुत ज्यादा।
गीली मिट्टी हो रखी है। ये सारा पानी टाइगर फॉल में जाएगा और वहां से टाइगर फॉल नीचे, एंड वहां से टाइगर फॉल नीचे तो हम पहले ही जा रहे हैं भाई, इससे नीचे कहां जाएंगे यार, धरती के नीचे ब्रो, पाताल लोक में। इसके नीचे पाताल लोक। कमल भाई यार मजाक करते रहते हैं। सो भाई अपनी बाइक लेके आ चुके हैं नीचे बिल्कुल टाइगर फॉल की जो पार्किंग है, पार्किंग के अंदर, एंड अभी फिर चलते हैं टाइगर फॉल को देखने के लिए। पार्किंग पे फाइनली हमने अपनी जो बाइक्स हैं वो लगा दी हैं, राइडर्स वगैरह अपने हेलमेट वगैरह लगा के निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई दोस्तों यहाँ से आपको एक और पॉइंट दिखाते हैं हरचक्राता का, जो कि बेस्ट पॉइंट है अगर आप जो भी ट्रैवल करने के लिए आते हैं उनके लिए, ये घूमने का बेस्ट प्लेस है। ये प्लेस आपको भी दिखाते हैं, अगर चक्राता आप आ रहे हो तो यहाँ भी जरूर आए। नाम है भाई इसका टाइगर फॉल। तकरीबन चक्राता से कितने किलोमीटर है ये? चक्राता से है तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास है ये, एंड बिल्कुल नीचे आके आपको देखने मिलेगा टाइगर फॉल के नाम से जगह है ये। गाइस हमारी अगली जगह होने वाली टाइगर फॉल, जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ तरफ से पानी आता है, और यहाँ पे हमारी पानी से चलने वाली चक्की, जी हाँ ये पानी से चलती है, हम आपको अंदर से दिखा देते हैं। इसमें ऊपर से पानी आता है, ये देखिए यहाँ पे ये पानी से चलती है, दिखाते हैं ऊपर से पानी आता है, इसमें ऊपर से चलने से पानी आता है, ये पानी है घुमाता पास से। हाँ ये वो अंदर दिख रहा है, जैसे कि आपको पता नहीं दिख, देख पा रहे हो आप अंदर वो पार्ट है, वो घुमाता पानी को उससे चलती है। ये विजिटिंग के लिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो हमारे पीछे है दोस्तों, ये पूरा का पूरा ये चक्राता का ये जो टाइगर फॉल है, ये झरना वगैरह अभी दिखाते हैं आपको। चक्राता में दोस्तों जो बेस्ट व्यू है ना देखने के, उनमें से एक है टाइगर फॉल, इसलिए यहाँ टूरिस्ट वगैरह भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। ये आ रहा है भाई ऊपर से 312 फिट ऊपर से आ रहा है टाइगर फॉल, एंड सीधा नीचे आके 312 फुट ऊपर से आता है भाई ये जो टाइगर फॉल है, ये अपना आ रहा है 312 फुट ऊपर से आता है। ये है भाई टाइगर फॉल, बेस्ट प्लेस है भाई आने का। ओ भाई साहब ये है भाई टाइगर फॉल, 312 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है एकदम, एंड जो इसके नीचे खड़ा होता है ना भाई उससे पूछो क्या बनती है उसके साथ। अब तक तेरे को कौन से बेस्ट प्लेस लगे? अरे बढ़िया फिर भी वो बोल दूसरा, अरे वो सरप्राइज दूसरा, वो अनएक्सपेक्टेड था उसको सरप्राइज तो। हाँ मेरी सब तू तो कौन बार आ चुका है तेरे को कौन सा बेस्ट लगता है भाई? वो देख तो चाहिए बेस्ट है टाइगर फॉल, 312 फुट ऊपर से आ रहा है भाई ये टाइगर फॉल है, 312 फुट ऊपर से आता है। अगर इसके नीचे कोई पर्सन है ना अगर खड़ा हो गए नहाने लग जाए ना भाई तो मतलब ये जो भाई ना रहा है ये भी इसके आसपास ही ना रहा है, इसके अंदर जाने की हिम्मत इसमें भी नहीं है भाई। दोस्तों आपको कौन सा बेस्ट लगा भाई, कौन सा चले कौन सा जरूर बताना। टाइगर फॉल से अब हम चक्राता आ चुके हैं, एंड 4:07 का टाइम हो चुका है। अभी जो है भाई चक्राता में अपने मोमोज वगैरह लेंगे, एंड मोमोज लेते ही फिर निकल देंगे। बाकी भाई रास्ते इतने ज़बरदस्त हैं।